हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या पढ़ें इन 3 महीनों में। एक्चुअली 3 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 25 जुलाई को ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो हम इन 3 महीने में क्या पढ़ें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हम इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आप सभी को पढ़ लेनी चाहिए कम से कम जरूर। और लास्ट में हम बताएंगे ये 3 बुक जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी के। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। इसके बाद हम बहुत सारे वीडियोज लाने वाले हैं जो कि और भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का अलग अलग हम स्ट्रैटेजी भी आपसे डिस्कस करेंगे और बुक्स भी। चलिए सबसे पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको पता है सिलेबस, आपको पता है कि मैथ्स पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है और जीके पूछी जाती है। चारों सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन आते हैं और 50-50 मार्क्स के होते हैं, यानी कि वेटेज लगभग बराबर होता है। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि जीके वाला पोर्शन ऐसा है जिसको कि आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाएंगे जीके में। अगर आप 25 से 30 नंबर भी ले आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर कहलाता है एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, इसमें आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा 40+, 45+, फिर इंग्लिश में भी आपको 30+, 35+, 40+ स्कोर ले जाना होगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है किरण की बुक सोल पेपर 8900+। मैं किरण के ही क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बुक्स इस के लिए अवेलेबल हैं। बहुत सारे राइटर पब्लिकेशन की बुक है कि जिनमें कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन को उनमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन किरण की बुक मुझे बेस्ट इस मामले में लगते हैं कि उन्होंने एक टॉपिक वाइज, एक लेवल वाइज इन्होंने सबको एक अरेंज कर रखा है। जिसकी हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 10 से 11 लेवल में इन्होंने क्वेश्चन को बांट रखा है। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो उसी के अराउंड लगभग 20-25 क्वेश्चन उस और भी मिल जाते हैं। तो ये किरण की बुक मुझे और बेस्ट लगती है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें कि ईयर वाइज क्वेश्चन होता है, जिसमें कि काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। अगर आप टॉपिक वाइज सीखना चाहते हैं तो किरण की बुक बेस्ट है। आप इसके सोल्यूशन को मत रिकमेंड करना क्योंकि सोल्यूशन थोड़े से बड़े हैं। आपको शॉर्टकट सीखना होगा, जो कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं। हमारे चैनल्स पर अभी आपको शॉर्टकट की वीडियो मिल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो और बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको हमारे चैनल पर। आप जाकर के एक बार जरूर विजिट करना। तो ये तो होगी मैथ्स में। इसमें आपको 1999 से लेकर के 2017, यानी कि आप जो न्यू एडिशन आया है इस बुक का, वो 2018 तक जो LDC का एग्जाम हुआ था CHSL का, उसका भी बहुत ही जल्द मार्केट में आ जाएगा। तो ये बुक आप ले लेना, बहुत ही अच्छी बुक है। इसे पूरा एक बार कवर कर लेना, आपका मैथ्स में मोर देन इनफ हो जाएगा Tier 1 के लिए। क्योंकि Tier 2 में थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछा जाता है, वो मैं उस टाइम बताऊंगा Tier 1 के बाद। फिर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में एक्चुअली ऐसा क्या, इंग्लिश में मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा। आप कोई भी बुक खरीद सकते हो लेकिन ये बेस्ट बुक यही 2 है। पहला तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो किरण की है, चैप्टर वाइज है। इसी में सेम कंडीशन वही है कि सारे टॉपिक जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं SSC के और अदर SSC रिलेटेड अदर्स एग्जाम्स भी, जिसमें कि 1997 से लेकर के अभी तक लगभग कहें तो 10 से 11 साल के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे और बिल्कुल ही एक लाइन से मिलेंगे। जैसे कि आपका फ्रेजल वर्ब, जैसे कि ईरर डिटेक्शन आया, तो ईरर डिटेक्शन के अलावा 700 क्वेश्चन इस बुक में कर रखे हैं। फिर और भी टॉपिक्स हो गए एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके भी 500 से 600 क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत ही बेस्ट है। लेकिन आप अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो प्लिंथ टू पैरामाउंट है, जो कि नीतू मैम की बुक है, उसके बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अब बात आती है रीजनिंग के लिए। ऐसे रीजनिंग के लिए कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करता था पहले, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि रीजनिंग के लिए बता दीजिए। तो रीजनिंग के लिए मैं यही कहूँगा, आप एक प्रैक्टिस सेट के लिए यही बुक ले लीजिए, किरण की है SSC रीजनिंग सोल पेपर, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें अगर रीजनिंग का एक्चुअली क्या है कि आप कोशिश कीजिए 50 में कम से कम 45+, 48+ और कम से कम टाइम में। अगर 60 मिनट का एग्जाम है तो आप कोशिश कीजिए कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग का हो जाए आपसे 15 मिनट के अंदर। 12 मिनट में, 10 मिनट में होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें ज़्यादा टाइम आप न लगाएं,
जो बचा हुआ टाइम है वो मैथ्स के लिए दें। रीजनिंग के लिए ये बुक अच्छी है, प्रैक्टिस कीजिए। और रीजनिंग का करने का बेस्ट तरीका ये है कि जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो वहाँ पर आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, उसका कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब के वीडियोज से सीखिए, वो बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। रीजनिंग को पढ़ने का तरीका बेस्ट वही होता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे आगे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट बुक है, हम उसके बाद जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज में एक्चुअली क्या है, एसएससी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते कि आप कितना भी पढ़ें वो एक समंदर होता है एसएससी का, तो इसके लिए भी वही बुक है, आप किरण की बुक ले आइए, उसमें आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन जो अगर आप कम टाइम में करना चाहते हैं तो ये दोनों बुक बेस्ट है, लूसेंट समान ज्ञान और अरिहंत समान ज्ञान, जो कि मनोहर पांडे की है। अगर आपके पास लूसेंट, ये बहुत पुरानी बुक है, अगर आप ये लेना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो ये ले लीजिए, अगर नहीं है, अगर आपको कोई लेना ही है तो एक बार मनोहर पांडे की बुक लीजिए, ये 2018 भी आ गया होगा आई थिंक, तो यहाँ से आपका जीके काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और जो भी करंट के टॉपिक है, करंट अफेयर्स, पिछले बार एसएससी में देखा गया था कि करंट अफेयर्स के अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे थे वो ओलंपिक से क्वेश्चन थे, इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन होंगे। फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं कि ये फिल्म अवार्ड आईफा किसको मिला, ऑस्कर किसको मिला, ये सब भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जो स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप, अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होना है, अगला हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होना है, अगला रग्बी चैंपियनशिप कहाँ होना है, तो ये सब क्वेश्चन होता है, आपको इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। हमारे चैनल पर भी इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ और काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किया हूँ पास्ट में भी। इसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं, ये इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था, नीतू मैम क्या आती है, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, तो आपको ये वाली बुक काफ़ी बेहतर होगी इंग्लिश के लिए, ग्रामर और काफ़ी अच्छे से इसमें इन्होंने समझा रखा है। इसके अलावा एक और बुक है, एक इस बुक के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये बुक आपको ले लेनी चाहिए। आई थिंक ये आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए, मॉक टेस्ट टाइप का, एक जरूर नहीं किरण की हो, कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सभी बुक का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके भी आसानी से ले सकते हैं। मैं प्रैक्टिस के लिए आप टाइमर लगा लीजिए 60 मिनट का, और कोशिश की उन्हीं 60 मिनट में आप इसे पूरा एक जो 100 क्वेश्चन का जो सेट आता है उसे सोल्व करने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम को काफ़ी बेहतर से मैनेज भी करना होगा, क्योंकि आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए मात्र 50 से 55 मिनट में उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना, क्योंकि कभी कभी सर्वर स्लो होता है या फिर आपके कुछ एक दो क्वेश्चन मैथ्स के हार्ड आ गए एग्जाम में, तो उसका जो टाइम मैनेज होगा उसे 60 मिनट में आपको करना होगा। तो ये तो हो गई सारे बुक्स की बात, अब मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से बुक जो होंगे वो आपको, मैं तीन बुक के बारे में बताता हूँ कि आप उन तीन बुक को ले लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सबसे पहले तो ये है मैथ्स की बुक, नो डाउट ये आपको लेना ही लेना है, जो कि किरण पब्लिकेशन की है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो बुक आती है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये जो इंग्लिश वाली बुक है, आप इंग्लिश वाली बुक को जरूर लीजिए, या तो आप सबसे पहले तो आपकी ये प्लिंथ टू पैरामाउंट लीजिए, इसमें जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट जो बताया है उसके कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने दिए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है। आप इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, ये दूसरा बुक ये है मैंने बता रहा हूँ, अगर ये बुक खत्म हो जाता है एक बार तब आप इस बुक पर स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंग्लिश है ये तो हो गई दो बुक, तीसरी बुक मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बुक, जनरल नॉलेज की, इन दोनों में से कोई एक बुक आप जरूर परचेज कीजिए। तो ये तीन बुक हो गए, तो आप कहें कि यार मैंने प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं लूँ, प्रैक्टिस सेट का ऐसा कि एग्जाम जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, आप ये भी बुक ले सकते हैं, अगर लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर होगा। बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो कि वीकली फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जैसे केसीसी ट्यूब और क्यू मैथ्स हो गए, आप वहाँ पर जाकर हर एक संडे सैटरडे मंडे किसी भी दिन, इन तीन दिन में से किसी भी दिन आप जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, बिल्कुल ही फ्री है, आप अपने को एनालाइज कीजिए। और यहाँ पर बात आ गई रीजनिंग की, रीजनिंग का ऐसा एक तरीका मैं पहले भी आपको बताया था, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में आप जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने, जब आपको सोल्यूशन सामने होगा तो आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर आपको रीजनिंग के हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो वीडियोज़ मोर देन इनफ होगी इंग्लिश के लिए, कोई रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो
तो मैंने फाइनली आपको यही तीन बुक रिकमेंड किया। पहला तो मैथ्स वाली, ये किरण की मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश की मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट जो कि नीतू मैम की इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन 2, उसके बाद जीके की मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक। और रेगुलर जो करंट और टॉपिक्स हैं उन्हें आप पढ़ते रहिए। करंट के मैं वीडियो लगातार अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा आपसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके बाद भी अगर आप कोई वीडियोस चाहेंगे स्पेशल मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग की या फिर किस तरह से तैयारी करें, तो मैं वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही जल्द, एक दो दिनों के अंदर ही हमारी कोशिश रहेगी। तो आप जल्द से जल्द इन काम को करिए। फिलहाल इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय।